आज 2 जनवरी 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है देर रात 2:11 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है सुबह 9:39 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। आज चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि। मेष राशि वालों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं और उन चिंताओं को संभाले रखने के साधन भी जुटाने हैं, पर इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के बड़े बदलाव से बचने की जरूरत है ताकि कोई भी परेशानी आपको छू ना सके। किसी भी तरह के नए विचार को अपने मन में बिठाने से पहले एक बार फिर सोच लें और अपने हालात को अपनी मेहनत से मजबूत करने की कोशिश कर लें। वृषभ राशि वाले अपने दोस्तों से जुड़ना भी चाह रहे हैं लेकिन उन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। ये इस समय की विडंबना हो सकती है क्योंकि एक ओर तो आपका मन परेशान है और दूसरी ओर लोगों पर भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को भली भांति समझ लें कि जिन लोगों को आप शक की नज़र से देख रहे हैं वही लोग आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से उलझते चले जाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं और लोगों को कोई चुपती हुई बात कहने से गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए चाहे घर परिवार हो या कामकाज का क्षेत्र हो, लोगों से ताल्लुकात बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति प्रतियोगिता की भावना बनानी होगी ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके और ऐसा करते हुए लोगों से भी तालमेल बनाए रखना होगा ताकि नाराजगियों से भी बचा जा सके। अपने कामकाज की ओर ज्यादा तवज्जो बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखने में हालात आपकी मदद कर रहे हैं, पर जो लोग पहले आपके खिलाफ थे अब वो भी आपकी बात को समझना चाह रहे हैं। ये सारा खेल इस रूप से बना हुआ है जो आपकी मन की बनाई हुई परेशानियों को हटा दे और आप रिश्तों को एक बेहतर रूप से समझ पाए। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं और ऐसे में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने से हालात भी आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अपनों से जो फासले बन गए थे अब उन्हें नज़दीकियों में बदलने का समय आ गया है। आपकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और हर कदम आगे बढ़ता हुआ आपको निजी जीवन की खुशियां दे सकता है। ऐसे में पुरानी बातों को भुलाकर जिंदगी को नए नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। हर चीज़ को अगर लोगों के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी की चुनौतियों को संभालने में मदद ज़रूर मिलेगी। कन्या राशि वालों को पारिवारिक खुशियां बनाए रखनी है तो अपने हालात को नई नज़र से भी देखना होगा क्योंकि हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं, जिसे अच्छाई की नज़र से देखने से ही फ़ायदा होगा। हर चीज़ को पैसे से तोलने से भी बचना होगा ताकि ज़िंदगी की अच्छाई का और सच्चाई का आपको पूरा आभास हो सके। क्या करना चाहिए समय में? लोगों को समझने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी होगी और बहुत सारी चुनौतियों को भी साथ ही साथ संभालना होगा। इस प्रयास में हो सकता है आपकी मुश्किलें बनी रहें, पर रिश्तों के प्रति अपने दिल को साफ कर लें, फायदा ज़रूर होगा। तुला राशि वाले ये समझ लें कि लापरवाही से कही गई कोई भी बात आपको मुश्किलों में डाल सकती है और आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसे में अपनी बात कहने से या मनवाने से नुकसान भी हो सकता है। ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें चुप रह जाना ही बेहतर है। क्या करना चाहिए समय में? मतभेद भरा समय है और अपनों से भी विचार ना मिले ऐसा हो सकता है। अगर अपने विचारों को बदलने से नुकसान की स्थिति बनेगी तो आपको खुद को ही कसूरवार ठहराना होगा, इसलिए भी इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी संभावनाएं इसलिए बन रही हैं क्योंकि आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं। हर कदम सूझबूझ से उठाने की ज़रूरत है। कुछ सीखने और कुछ समझने के प्रयास में नई संभावनाओं को टटोलने की ज़रूरत है ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके। क्या करना चाहिए समय? सेहत की ओर ध्यान देना होगा और रिश्तों के प्रति भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। ऐसा करने से ही कोई प्यार का रिश्ता उन ऊंचाइयों को छू पाएगा जैसे सपने आप देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए दूर स्थान के कई विकल्प आपके जहन पर छाए रह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा सोचकर आप दुखी भी होते चले जा रहे हैं और इसी बात से बचने की ज़रूरत है। किसी यात्रा या बदलाव की चिंता भी आपके मन पर छाई रह सकती है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में अपनों को समझने का और अपनों के करीब आने का समय है। अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी किया जाए वही अच्छा है, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई सारी नकारात्मकता को हटाकर हालात को भली भांति समझना होगा। रिश्तों के प्रति अपना लगाव बनाए रखने से जिंदगी की वो खुशियां मिल पाएंगी जो आप चाह रहे हैं। मकर राशि वालों के मन में इच्छाएं बहुत हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों से तालमेल भी बनाए रखना होगा। सिर्फ सपने देखने के बजाय उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लगन भी बनाए रखनी होगी। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामे रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के फैसले सही रूप से करने के लिए आपको अपनों से अच्छी सलाह मिल सकती है, पर अपनी गलतियों की वजह से आपके हालात चुनौती भरे बने रह सकते हैं।
इसलिए भी आपको इस बात पर नजर रखनी होगी कि लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के लेन देन में गलती करते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए पैसा जुटाने से बेहतर यह होगा कि आप उस प्रयास को बढ़ा दें जो आपके हालात को बेहतर करने में मदद कर सके। क्या करना चाहिए समझ? आपकी मेहनत और आपकी लगन आपको अपने काम से जोड़े रखे, ऐसा सुंदर सा योग बना हुआ है। और ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाए हुए नकारात्मक विचारों को भी हटाना पड़ेगा और अपने आसपास बिखरी हुई अच्छाई को भी समझना होगा। मीन राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, पर आप इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अच्छाई यह है कि जो पहले चुनौतियाँ थी, अब वो भी आपको मदद ही करना चाह रही, ताकि आपके हालात बेहतर हो सके। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं, जिससे फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि तकदीर भी आपके लिए इस रूप से अपनी भूमिका निभा रही है जो आपको हर तरह की अच्छाई दे पाए। ऐसे अच्छे समय का फायदा जरूर उठा लें।